जबरदस्त बर्फबारी जो हुई है हमारे इलाके में भी हो रही है, लेकिन उधर भी दूर से और आकर बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पे कोई मसला नहीं, मतलब रोड सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत कम टाइम में लोग पहुंच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर खान यूसुफ़ज़ई और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तकरार। तो आज मैं मौजूद हूं ज़िला मानसेरा केपीके की खूबसूरत तरीन वादी छत्तर प्लेन के टॉप पे मैं मौजूद हूं। बर्फबारी हुई है, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी, चार चांद लगा दिए हैं इस सफ़ेदी ने। बर्फबारी की मैं बात करूँ, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी सफ़ेदी, तो बर्फबारी की बात करते हैं। दूर दराज से सियाह छत्तर प्लेन का रुख किया हुआ है इन लोगों ने, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कोई सवाल इसे क्या कहते हैं। तो सर मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है। मेरा नाम महबूब रहमान है और मैं हज़ारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 7 सेमेस्टर है मेरा। अच्छा, और मेरा बेसिकली जो ताल्लुक है मेरा कोहिस्तान से। अच्छा जी, चले सर मुझे ये बताएं कि कोहिस्तान की बात करें तो कोहिस्तान बर्फबारी होती है या नहीं। जी हाँ, जो रोड साइड एरिया है उधर तो खैर इतना नहीं होती, जो पहाड़ों पे होती है इससे ज्यादा होती है। अच्छा, जहाँ जिस तरह हम इधर इंजॉय करते हैं उसी तरह मतलब इंजॉय हमने पहले कभी इतना नहीं किया। अच्छा सर मुझे ये बताएं आपका क्या नाम है। मेरा नाम मुनीर दावड़ है, मैं बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान से हूँ और इधर हज़ारा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी मास्टर कर रहा हूँ, साइकोलॉजी। चले जी, दोनों स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं कि लाइफ जो स्टूडेंट की होती है वो तो मज़े से भरी हुई होती है, हर तरफ जिधर ही जाते हैं कहते हैं यार बस मज़ा ही मज़ा हो। तो आज आप छत्तर प्लेन की वादी मौजूद है, बर्फबारी भी यहाँ पे हुई है, क्या कहना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, हमें बहुत पसंद आई इधर, बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी जो हुई है हमारे इलाके में भी हो रही है, लेकिन उधर भी दूर से और आकर बहुत ही इंजॉय किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, आप बजरिए सीपे का हैं या शराय रेशम रोड से हैं, रास्ते में कोई रुकावट। नहीं, हम दोनों रास्ते से आए, कुछ रास्ता हमने सीपेक से तय किया, कुछ शायरा रेशम से आए, और लोकल के जो लोकल कम्युनिटी है बहुत हेल्प करते हैं, जगहों जगह पर खड़े हैं, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ ज़्यादा हुई है वहाँ पर रोड साफ कर रहे हैं लोग, जिस जिसको गाड़ियों को मतलब धक्के की जरूरत धक्के भी देते, गाड़ियाँ निकालने में मदद करते सियाह की। चले जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके जो मज़ा है उसको खराब नहीं करना चाहते, मुझे ये बताएं कि लोग मरी नारान कागान स्वाद के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे कल हमने देखा एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़ भी पेश आया, तकरीबन 25 के करीब डेथ हुई। छत्तर प्लेन, ये बर्फ़ तो सिर्फ बर्फ़ ही देखनी है ना, छत्तर प्लेन क्यों ना है, सिक्योर इलाका है, आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरा लोगों का पैगाम है इधर बहुत, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, मरी की भी सही बात है, वहाँ भी बर्फबारी होती है इधर भी, लेकिन लोग अवेयर नहीं है इस इलाके से। इधर जो लोकल इंतज़ामिया है और जो लोकल लोग हैं बहुत हेल्प करते हैं सियाह की, और ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, ये मौसम भी अच्छा है और बर्फबारी भी ज़्यादा हुई। गाड़ी को देखें जी, गाड़ी नहीं जा सकती, इंतज़ामिया यहाँ से गाफिल हो गई है, पता नहीं हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है, मानसेरा की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, लोकल इदारे क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी वाला बेचारा पता नहीं किधर से आया हुआ है, इसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सवाल और सियाह जो है वो रास्ते में रह गए, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रोड पर फिसलन है, बहुत ज़्यादा फिसलन है जिसकी वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। तो और भी कुछ मनाजिर हम आपको बता दें, बड़ा जबरदस्त माहौल है। अच्छा, हर तरफ बर्फ और हरियाली है जी, और जो है ना वो सड़क वगैरह वो भी खुली हुई है, थोड़ा बहुत मुश्किलात है लेकिन ये कि सफर में तो थोड़ा बहुत वो होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर आप बड़गाम से आए हुए हैं, दूर दराज से लोग मरी नारान कागान जाते हैं, वहाँ पे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। यहाँ पर ये मेन शहर है रेशम है, रोड भी खुला हुआ है, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है ना उसकी जो है ना थोड़े होटल होने चाहिए। अच्छा, और कुदरती तो हुसन तो बहुत है, कुदरती हुसन से तो आप देख रहे हैं ये माला माल है ये इलाका, लेकिन ये कि साहब इकतदार और जो हुकूमत के युवा चाहिए, जो लोग हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर होटल वगैरह हो ताकि कोई जो है ना वो होटल वगैरह। बहुत अच्छे मैसेज दिया है हमारे भाई ने, उन जिन्होंने कहा है कि यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनको चाहिए कि यहाँ पे कुछ स्पॉट ऐसे बनाए जाएँ कि जो सियाहत हैं वो यहाँ पे सिक्योर अपने आप को महसूस करें, होटल होने चाहिए, गेस्ट हाउसेज होने चाहिए कि वो यहाँ पे ईजिली आ सके, उनकी अप्रोच यहाँ तक हो। स्पेशली जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टरों को चाहिए कि यहाँ पर जो है ना वो
टूरिज्म की काफी हुआ है और पैसा है, पोटेंशियल है, इधर इन्वेस्ट करें तो उनको फायदा भी होगा, इलाके का भी फायदा होगा और सब बल्ले बल्ले। चले जी बल्ले बल्ले, कुछ और लोगों से बात करते हैं उस हवाले से, क्या कहते हमारे साथ रही है। और मैं हजारे यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट हूँ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से। अच्छा, और बस आज आए थे इधर चेकअप करने की तरफ। अच्छा, बहुत अच्छा इलाका है और बहुत मतलब हसीन वादियाँ हैं। अच्छा, और बहुत एंजॉय करने को मिला। चलो जी गुरवीर सिंह, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आए पहली दफ़ा आए या इससे पहले भी आप चेकअप प्लेन का विजिट किया है? नहीं नहीं, मैं पहली दफ़ा आया हूँ इधर अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ आया हूँ। अच्छा, बहुत इंजॉय करने को मिला और बहुत अच्छी जगह है, लोग भी बहुत अच्छे। अच्छा, तो मेहमान नवाज लोग हैं। अच्छा, बहुत। चलो जी, मेरा नाम फजल अमीन है, डिस्ट्रिक्ट जूनियर से मेरा ताल्लुक है और हजार यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आज हम आए यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए। आपने सवाल किया कि सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। तो मैं तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी है इस तरह की बर्फबारी, तो मतलब जरूरत नहीं है कि आपके साथ रुक जाए वहाँ पे मसाइल वगैरह क्लियर हो जाए। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे मोस्टली ये होता है, मुझे ये बताएगा कोई मुश्किल आपको यहाँ पे, कोई ऐसी मुश्किल जो आपको दरपेश आई हो रास्तों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, ये बताएं कि ये इलाका सिक्योरिटी के हवाले से पुरामन है या नहीं? देखो सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ज्यादा पुरामन है, मसाइल तो बाकी कोई मसाइल नहीं, लेकिन एक बात जो चले जी, आप जो कहा रोड पे अभी भी बर्फबारी पड़ी हुई है, यहाँ पे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई है, लोग जा रहे हैं, ये मोटरसाइकिल सवार को देखें जी, ये अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। खुदा रखी सर, और रास्ते में गए, आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है हमारे लिए। तो यहाँ पर ट्रैफिक रुक गई है जी, हमारे पुलिस के जो इदारे हैं वो यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे आज पुलिस को होना चाहिए, इंतजामिया को होना चाहिए, यहाँ पे कोई हादसा भी रुनुमा हो सकता है। इन लोगों को आप देखें गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, कोई सिक्योरिटी के कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इन्हें मारूस तो यहाँ पे रोड पे ज्यादातर फिसलन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सैम उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन छतर प्लेन के आवाम ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि जो रोड में जो फिसलन हो रही है उसको अपनी मदद आपके तहत हटा रहे हैं, और इंतजामिया काफिल है। इंतजामिया को पता ही नहीं कि सियाह यहाँ पे आते हैं, हजारों सियाह अभी भी छठे टॉप पे मौजूद है और गाड़ियाँ फंसी हुई है। सर मुझे ये बताएं आपका नाम क्या आगे हो जाए? मेरा नाम सुभान है, मैं इसका साफ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब गाड़ी फिसलते हैं ना। अच्छा, बच्चों की भी फिसलती है, सब की भी फिसलती है, इसमें हम इसकी सफाई करते हैं।